हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी गिर रही है, सेंसेक्स गिर रहा है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, बहुत वैल्यू आपको मिलने वाली है, बहुत सारा डेटा हम लेकर आए हैं, सिंपल शब्दों में आपको समझाएंगे। दोस्तों, क्या इस मार्केट में आप भी पैसा लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट ये गिर रही है, पैसा जो इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकते हैं और ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, कोई भी एक रैशनल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, हमारे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं मार्केट में बहुत सालों से हूं और आज अपने खुद की जो लर्निंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हमारे चैनल में जो आपने वोट के द्वारा दिए हैं, 27 जनवरी को मार्केट गिरी है, लेकिन 27 जनवरी से पहले सेंसेक्स जो है उसने 50,000 को भी टच किया था। और जो चैनल है EFA लर्निंग, हमने वहां पर एक पोल किया था और वहां पूछा था, सेंसेक्स ने तो 50,000 टच कर लिया, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी रही? तो यहां पर 56%, दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दूं, इतनी हाई मार्केट में भी 56% रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने या तो पैसा लॉस किया है या पैसा वही का वही है। और ये मेरे लिए पर्सनली बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि इतनी हाई मार्केट में भी कैसे इतने लोग पैसा लूज कर सकते हैं या पैसा नहीं बना सकते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ लर्न करना बाकी है, सबके लिए लर्न करना बाकी है दोस्तों। और यहाँ एक और अगर जो कोई इंपॉर्टेंट जो हमको जानकारी मिली वो ये थी कि लगभग 70%, जी हाँ 70% से ज्यादा, 70% प्लस जो इन्वेस्टर हैं मार्केट में नए आए हुए हैं। खैर, ये मेरे चैनल की ही मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, और यंग इन्वेस्टर है ये एक अच्छी चीज है, लेकिन नए इन्वेस्टर है तो इसीलिए हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में गलती हो सकती है। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़े, लॉसेस कम हो। तो बहुत सारे हम डेटाज हैं, बहुत सारे जो जेन्युइन गुरु हैं, जैसे कि चार्ली मंगर हुए या फिर पीटर लिंच हुए या मिस्टर बफेट हुए या इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के भी जो अच्छे जो रेस्पेक्टेड नेम है, उनके हम डेटा हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, लगभग 50,000 से अब गिर रहा है, निफ्टी ने भी 14,000 का लेवल को अब तोड़ दिया है। तो एक चीज है कि ये सरप्राइजिंग बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर, दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही है फंडामेंटल पर बहुत फोकस रहता है हमारे हर वीडियो में। तो पी रेशियो की अगर हम बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो जो निफ्टी का है वो 38 का है। 25 जनवरी की मैं बात करूं तो 38.42 है। बीच में देखिए 14 जनवरी को ये 40 का प्राइस अर्निंग रेशियो चला गया था। और आपको मैं बताऊं, हिस्टोरिकली फिर से रिपीट कर दूं, हिस्टोरिकली ये बहुत ही हाई लेवल है। ये लेवल मैं आपको बताता हूं, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, कभी भी ये 25 होता है तो हम सोचते हैं या सोचते थे कि निफ्टी बहुत ही महंगी हो गई है, लेकिन ये 40 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है बहुत ही ज्यादा है, मतलब कंफर्ट लेवल से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हाँ, देखिए डिनोमिनेटर में अर्निंग्स है, मतलब ई है, तो यहाँ अर्निंग्स कम हुई है तो उसकी वजह से जो है प्राइस ज्यादा दिख रहे हो। तो अर्निंग्स अभी आएगी तो पी रेशियो भी थोड़े रेशनलाइज होंगे, लेकिन उसके लिए 2-3 क्वार्टर लगेंगे दोस्तों। बट अभी फिलहाल ये बहुत हाई मार्केट वैल्यूएशन है। दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है बजट को लेकर थोड़ा नर्वसनेस या कॉशन। मुझे याद आता है, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन मैं यहाँ 2018 लिखता हूँ। देखिए 2018 का भी जो बजट आया था फरवरी के महीने में ही आया था, और उससे पहले 2017 नवंबर दिसंबर या 2018 जनवरी, उस समय में मिड कैप और स्मॉल कैप की जबरदस्त बुल मार्केट थी, वहां भी बहुत सारे नए निवेशक ऐड हुए थे। लेकिन बजट आता है और लग जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो वो बजट में जब वो आता है तो उसके बाद मार्केट गिरती है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ यही एक रीजन था, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे, NBFC क्राइसिस था, बहुत सारे अलग अलग रीजन भी थे,
लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद मार्केट गिरी। अब 2021 आ गया है, 2020 में पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया है। मार्केट ऑल टाइम हाई 50,000 को सेंसेक्स ने टच किया है, जो निफ्टी है 14,000 के ऊपर लेवल पर हमने देखी है। तो यहाँ एक मार्केट को डर है कि टैक्सेस बढ़ सकते हैं, पर्सनल टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं या फिर इक्विटीज मतलब स्टॉक मार्केट में भी टैक्सेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों ना बढ़े तो बहुत अच्छा आपके लिए हमारे लिए, लेकिन मार्केट थोड़ा कॉशस है आज की तारीख में, तो इस चीज को भी हम आप नोट करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा रीजन जो हमको लगता है दोस्तों वो है आईपीओ में पैसा अभी बहुत लॉक्ड है। 4 आईपीओ अभी चल रहे हैं, लाइव है अभी आज की तारीख में। अगर हम देखें IRFC, इसका तो खैर पैसा अनब्लॉक हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। इंडिगो पेंट्स और होम फर्स्ट फाइनेंस का अभी अलॉटमेंट की प्रोसेस चल रही है। स्टोव क्राफ्ट आईपीओ, जब ये वीडियो बन रहा है तो वो आईपीओ की भी बिडिंग चल रही है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा इन सब आईपीओ में रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इसमें क्या होता है, पैसा लॉक हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां पर देखिए, इंडिगो पेंट्स 1150 करोड़ के आसपास का आईपीओ था और सब्सक्राइब होता है 117 टाइम्स। या मैं QIB, NII सब डेटा की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की तो इसकी डिमांड है। तो इसीलिए पैसा सबका ब्लॉक है, जो बड़े बड़े निवेशक है उनका, जो रिटेल निवेशक है इनका। तो ये एक रीजन हो सकता है, मुझे बहुत बड़ा पर्सनली रीजन नहीं लगता है, एक छोटा रीजन मुझे ये लगता है कि जो मनी लॉक्ड है आईपीओ में, ये कारण हो सकता है मार्केट में नई जो खरीदारी है नहीं होने का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण मुझे लगता है दोस्तों, FII की सेलिंग। FII कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो पैसा बाहर से आ रहा है, जो पैसा US से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, दूसरी कंट्रीज से आ रहा है भारत की मार्केट में। अब हो क्या रहा था, पिछले 1-1.5 महीनों में हमने देखा जो भारत के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड हुए जहां आप SIP करते हैं, वो इन्वेस्टर हुए, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हुई वो बेच रही थी, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्टॉक थोड़े महंगे हैं तो हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहां तक कि LIC, जो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, रिकॉर्ड में मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था कि उन्होंने बहुत बड़ा हिस्टोरिक में हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक इस क्वार्टर में किया है। तो वो बेच रहे थे, लेकिन जो FII थे, जो बाहर के निवेशक है, वो खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड, तो पिछले 3-4 दिनों का ही ट्रेंड है, तो पूरा हम कंफर्म नहीं कर सकते और डेटा भी हमको यहां पर स्टडी करने होंगे। लेकिन सोमवार के दिन मतलब 25 जनवरी को 765 करोड़ उन्होंने बेचे और 600 करोड़ उन्होंने शुक्रवार के दिन बेचे। और दोस्तों FII भी बेच रहे हो, DII भी बेच रहे हो, जब बड़े प्लेयर भी बेच रहे हो तो मार्केट को चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर एक दो स्टॉक को या फिर पूरी मार्केट को ऐसे हिला सके वो बहुत ही ज्यादा बहुत पॉसिबल नहीं रहता है। अब ये तो कुछ रीजन हमने आपको बताए क्यों मार्केट गिर रही है, क्यों मार्केट में हाहाकार है। अब ऐसी मार्केट में नए निवेशक क्या करें, वो समझना जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं अपनी पर्सनल रिसर्च ही कर रहा हूं और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूंगा। पहला चीज है दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे भी जाएगी, भालू भी आएगा मतलब बियर भी आएगा दोस्तों, तो वो चीज को आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं। तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट नीचे भी जाती, ऐसा नहीं है कि एक साइड ऊपर जाती रहे, नहीं तो सभी लोग आज की तारीख में स्टॉक मार्केट ही कर रहे होते और करोड़पति रोज निकल रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस अर्निंग्स, और बिजनेस और अर्निंग्स अगर आती रहेगी तो मार्केट भी ऊपर चलती रहेगी दोस्तों। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें, मार्केट के रिस्क को हमेशा समझे, जो मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, उसके लिए कभी कभी क्रिटिसिज्म भी होता है कि आप रिस्क को क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों आप रिटर्न के बारे में ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रिस्क जो है वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जो पैसा है जो आपका लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपए हैं तो 100 में 100 रुपए आपको इक्विटीज में डाल देने हैं, नहीं,
आपको अपना एसेट एलोकेशन करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपको डेट में भी डालना है, थोड़ा बहुत एफडी में भी डालना है, मतलब डेट में और एफडी को मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ, इक्विटी में भी डालना है, कॉमोडिटी या गोल्ड जो है उसमें भी डालना है। तो उस हिसाब से आपका जो पैसा जो है वो एक तरीके से हर जगह में रहेगा। तो उस चीज को आप ध्यान में रखें, एसेट एलोकेशन समझे। समझ लीजिए आपकी उम्र 60-65 के हैं, अगर आप 30-35 के हैं, आपके फादर 65-70 मतलब रिटायरमेंट या उसके पास की एज में है, तो दोस्तों आप जितना रिस्क ले सकते हैं 25-30 की उम्र में, आपके फादर जो है उतना रिस्क नहीं ले सकते 65-70 को। तो उनकी अगर आप कह रहे हैं उनको कि आप पिताजी आप मेरा पूरा पैसा या आपका खुद का पैसा पूरा मार्केट में डाल दीजिए, बहुत गलत सलाह है। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, क्योंकि आपके पास समझ लीजिए 25-30 की उम्र में आपके पास 10 लाख रुपए हैं, कुछ पैसे 2 लाख 3 लाख अगर लॉस कर भी गए तो बहुत फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है लर्न करने का, अर्न करने का बहुत बड़ा समय है। लेकिन उनकी ये रिटायरमेंट की पूंजी है, अगर उनके पास कुछ पैसे हैं और अगर आप यहाँ इक्विटी में लगा देते हैं तो बड़ा ही रिस्की हो जाता है, और खासकर इस बुल मार्केट में। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें, टिप से दूर में रहें, रिसर्च पर फोकस करें। वीडियो जो हमारे बनते हैं, चैनल जो है ईएफए लर्निंग, सिर्फ रिसर्च पर ही फोकस है। कोई यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ पर टिप नहीं, सिर्फ लर्निंग और रिसर्च और जो फ्रेमवर्क है जो एक अच्छा इन्वेस्टर आपको बना सके, जो कि जो गुरुज हैं उनसे ही, क्योंकि मैं पूरे दिन उन्हीं को ही मैं स्टडी करता रहता हूँ। बहुत शीघ्र ही एक ईबुक भी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जहाँ पर मिस्टर बफेट के पूरे 30 साल की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका एक समराइज भी हम करने वाले हैं दोस्तों। तो वो भी हमारे पूरे प्लान में है, तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। मार्केट्स हैं, मार्केट में रिस्क को भी दोस्तों जरूर समझे, एसेट एलोकेशन भी जरूर करें। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।